दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप कोई जमीन प्लॉट्स या कोई फ्लैट्स लेना चाहते हैं और वो पसंद आ गया है आपको, तो पसंद आने के बाद बस आपके माइंड में एक ही चीज़ घूमते रहता है कि भाई ये प्लॉट्स कैसा होगा, इसका पेपर कैसा होगा, कहीं ले करके इसको फंस तो नहीं जाएंगे, इसको वेरीफाई कैसे किया जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सही है और इस पर किसी प्रकार का कोई भी केसेस या कोई भी लीगल इशू नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप मुक्त हो जाइए और इस वीडियो को लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिए, ताकि सारा चीज़ जो आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला इस टाइप से वीडियो जो है वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डिजिटल वाला डीएनए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्लॉट्स या फ्लैट जो भी है, जो प्रॉपर्टी है, वो जैसे ही आपको पसंद आता है तो सबसे पहला जो काम है वो ये करना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी का पेपर जो है वो सब पेपर जो है आप उससे मंगवा लीजिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकें। तो पेपर आने के बाद सबसे पहले आप उसको वेरीफाई कीजिए कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ का नॉर्म्स क्या है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में CNT का लफड़ा शूटिंग है, वहाँ पे CNT लगा हुआ है, तो आप हर एक ज़मीन को आप नहीं बाय कर सकते हैं। तो आप उसका खतिहानी चेक कीजिए, वो खतिहान किस नाम से चलते आ रहा है शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर आप CNT में आते हैं तब तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन आप ले सकते हैं या फ्लैट ले सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं तो उसको आप वेरीफाई कीजिए कि उसका खतिहान जो है शुरू में वो कहीं CNT में तो नहीं आता है। अगर वो प्लॉट CNT में आता है और आप जनरल या OBC में आते हैं तो आप उस प्लॉट को नहीं बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए कि वो प्लॉट जो है, वो प्रॉपर्टी जो है, वो कहीं CNT में तो नहीं आता है। तो वो खतिहान जब चेक करेंगे तभी आपको पता लगेगा। इसके बाद आप उसको खाता 2 और रसीद भी आप चेक कर लें। तो आप उसका खाता 2 जरूर चेक करें कि कहीं वो किसी से और से बाय किया है प्रॉपर्टी या उसका खतिहानी है तो खाता 2 में उसका नाम इंटर है या नहीं है। इसके बाद उसका रसीद चेक करें कि उसका आज तक का जो रसीद का जो डेटा है वो अप टू डेट है या नहीं है, उसने लगान अप टू डेट किया है या नहीं किया है, उसने पैसा पे किया है या नहीं किया है। ये चेक करने के बाद आप अपना जो भी नियरेस्ट आपका जो ब्लॉक पड़ता होगा, जो अंचल पड़ता होगा, वहाँ जाइए, वहाँ का CO या कर्मचारी से जा करके आप मिलिए और उसको वो पेपर दिखाइए कि सर मैं ये ज़मीन बाय करना चाहता हूँ, तो कहीं इस पे कोई लीगल इशू तो नहीं है या कोई केसेस तो नहीं है। तो वो कर्मचारी या CO उस ज़मीन के बारे में, क्योंकि उसको पता है उसी का हल्का में वो ज़मीन पड़ता है, तो वो सारा चीज़ वो आपको बता देगा। तो उससे आप फिकर मुक्त हो जाइएगा कि भाई ये ज़मीन अब अच्छा है। लेकिन रुको रुको, एक चीज़ और आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप चेक नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो ज़मीन को किसी ने एग्रीमेंट तो नहीं करवाया है, या तो किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं ले रखा है, या तो किसी ने रजिस्ट्री तो नहीं करवा रखा है। अगर वो मोटेशन नहीं करवाता है, यानी कि वो लगान नहीं कटवाता है, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो ज़मीन किसी ने रजिस्ट्री करवाया है या नहीं करवाया है। यही नहीं देखने के कारण ज़मीन जो है एक ब्रोकर ने 4-5 लोगों को एक ही ज़मीन को बेच दिया। तो आप NEC निकलवाइए, यानी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। देखिएगा, आप जब भी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको बोलती है कि नहीं, मेरे को पिछले 10 साल का या 15 साल का NEC चाहिए, यानी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें सारा चीज़ स्टेप बाई स्टेप पॉइंट वाइज लिखा हुआ रहता है कि ये ज़मीन जो है पिछले 15 साल में किसने इसको बाय किया है, किसने सेल किया है, किसने एग्रीमेंट करवाया है और किसने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो आपको ये चीज़ निश्चित पता चल जाएगा, ये ज़मीन जो है अभी फ़िलहाल में किसके हाथों में ऑनरशिप है। तो जो भी आदमी बेच रहा है तो उसका आप आधार कार्ड ले लीजिए, डीड से उसका नाम मिला लीजिए और NEC से आप मैच करवा सकते हैं। तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ज़मीन का ऑनरशिप अभी किसके पास है। अब इस मामले में मुक्त हो जाइएगा कि ये ज़मीन जो मैंने पसंद किया है वो ज़मीन सही में अब मेरे लेने लायक है। अब आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट किया है ये ज़मीन लेने के लिए, अब आप डीड से वेरीफाई कीजिए कि जो आदमी आपको बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, तो आप NEC या तो जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है उसने, उससे आपको
ये पता करना होगा कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा है वो व्यक्ति सही में वही व्यक्ति है या नहीं है, तो उसका आप आधार कार्ड ले करके डीड से नाम मैच कर सकते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं पावर ऑफ अटर्नी लिया हूँ इस ज़मीन का, तो पावर ऑफ अटर्नी का पेपर उससे ले लीजिए और डीड से आप वेरीफाई कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सही में ये व्यक्ति पावर ऑफ अटर्नी लिया है इस ज़मीन का। और अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो एग्रीमेंट होल्डर हूँ भाई, मैं मेरे को पावर दिया गया है ऑनर की तरफ से कि इस ज़मीन को केवल सेल आउट करना है, तो आप एग्रीमेंट का पेपर ले लीजिए, उसका आधार कार्ड ले लीजिए, तो इससे आप मैच करके ये पता लगा सकते हैं कि रियली में जो लिंक जो हो रहा है एग्रीमेंट और पावर होल्डर और ऑनर का ज़मीन का, ये सही में एग्जैक्टली राइट है या रॉन्ग है। इतना करने के बाद जो भी आपका प्लॉट पसंद आया है उसका अगल बगल लोगों से आप जा करके एक बार पता लगा सकते हैं कि ये प्लॉट जो है ये कैसा है, क्योंकि लोगों को पता होता है अगल बगल में जो भी प्लॉट होता है कि उसका पास्ट जो है वो किस तरीके से रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हद तक गाइड कर सकते हैं अगल बगल वाले लोग, तो आप एक बार जा करके जरूर पता लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका डील ये फाइनल होता है तो जो आप उसको एग्रीमेंट में जो चेक देंगे वो चेक आपको पोस्ट डेटेड का देना है, यानी 10 दिन 15 दिन बाद का देना है, ताकि आप वो 10 दिन 15 दिन जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप प्लॉट पे कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ लेबर्स को लगा सकते हैं, 2-4 लेबर को प्लॉट पे लगा दीजिए, वो लोग अपना कुछ भी एक्टिविटी करेगा, तो अगर वो प्लॉट किसी ने पहले से एग्रीमेंट करवा रखा है या रजिस्ट्री करवा रखा है या पावर ऑफ अटर्नी करवा रखा है या किसी तरीके का कोई बात है, तो जैसे ही आप उस प्लॉट पे कोई लेबर से एक्टिविटी करवाना स्टार्ट करेंगे वो लोग जल्द से निकल करके आ जाता है। वो बोलते हैं ना कि अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ से जो चूहा होता है वो बिल से निकल करके बाहर आ जाता है, इस तरीके का बात होता है कि उस प्लॉट पे अगर आप कुछ एक्टिविटी करवाते हैं तो वो जो भी लोग होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे कि भाई ये तो लैंड मेरा है, आप इस पे क्यों एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो इससे आपको सारा चीज़ क्लियरिटी जो पता चल जाता है प्लॉट के बारे में। तो ये एक बहुत बेहतरीन आइडिया है दोस्तों, ये आपको कोई वीडियो में नहीं बताएगा और कोई समझाएगा भी नहीं, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2015 से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली एकदम इसको देखा हूँ कि हाँ भाई ये चीज हो सकता है जमीन में। लास्ट में आपको अगर सब कुछ करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जमीन कैसा है क्या है, तो लास्ट में रामबाण उपाय आप बैंक को पेपर दे दीजिए और बोलिए कि भैया मेरे को इस प्लॉट पे लोन लेना है और मेरे को ये प्लॉट खरीदना है, तो क्या होता है, या फ्लैट भी ले सकते हैं आप, इस ये लैंड जो मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी यानी कि लैंड मकान फ्लैट्स कुछ भी हो सकता है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बैंक को पेपर ये देते हैं तो बैंक वाले सारा चीज़ जो है वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी त्रुटि होता है तो बैंक वाले आपको ये बोलते हैं कि भाई इस ज़मीन में ये त्रुटि है, ये लाओ पेपर, तो वो आप ब्रोकर से पेपर मांगेंगे तो आपको पता चल जाता है कि क्या ज़मीन में एक्टिविटी होने वाला है और पहले एक्टिविटी हुआ है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लियरली पता चल जाता है अगर सही में कि नहीं ये प्लॉट बढ़िया है, किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है, तो फाइनली उसको आप बाय कर सकते हैं और आप अपना सपनों का जो है ड्रीम जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आपको मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।